हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेडिको आयु में। तो आज बात करते हैं हम बोनेडिल च्यूएबल्स टैबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बोनेडिल जो टैबलेट होती है वो क्यों ली जाती है, कब लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, उपयोग, कीमत, खुराक, नुकसान, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बात करते हैं बोनेडिल टैबलेट्स पर। फर्स्टली हम इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको 495 में किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, या आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, इसकी यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो पाया जाता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को पोषण प्रोवाइड करता है, इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट होता है, इसमें क्यूट्राफोलिक, साइडोकोबालम, विटामिन D3, पायरिडॉक्सिन 5, फॉस्फेट, जिंक, बोरोन, एल ग्लिसरीन, ल्यूसीन एंड एल ऑर्गेनिन। ये सभी आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी को फिट रखेंगे, परफेक्ट रखेंगे एंड हेल्दी बनाए रखते हैं। जैसे कि इसमें कैल्शियम शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। तो बात करते हैं हम इसको, नॉर्मली इंसान जब विटामिन D3 या कैल्शियम की कमी होती है तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो इससे कैल्शियम की सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। तो बात करते हैं हम इसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, इसको कब और कैसे दिया जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में मदर एंड बेबी दोनों के लिए ये हेल्दी रहता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, तो ड्यूरिंग 1 to 9 months ऑफ प्रेगनेंसी में कैल्शियम का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भ्रूण को माँ से 50 to 300 milligrams तक कैल्शियम मिलता है, जो भ्रूण की हड्डियों के लिए भी अत्यंत ज़रूरी होता है। एंड लास्ट 3 months में भ्रूण को कैल्शियम की 30 grams तक कैल्शियम की नीड होती है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वूमेन कैल्शियम का उपयुक्त सेवन नहीं कर रही हो तो उसका भ्रूण अपने कैल्शियम की ज़रूरत की पूर्ति के लिए माँ की हड्डियों और दांतों से करने लगता है। यानी कि अगर हम कैल्शियम की प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम कैल्शियम के टैबलेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी में कैल्शियम की नीड हो, तो जब प्रेग्नेंट वूमेन होती है, जो उसका भ्रूण होता है, तो उसका भ्रूण अपनी माँ से उस कैल्शियम की ज़रूरत को पूरी करता है। नहीं खाएंगे तो भ्रूण जो होगा वो माँ की हड्डियों और दांतों से इसका उपयोग करने लगेगा, अपनी नीड को पूरा करेगा। यदि प्रेग्नेंट वूमेन कैल्शियम का उपयुक्त व उचित मात्रा में प्रयोग ना करें तो इससे भ्रूण विकास में भी बाधा आती है। तो देखते हैं इसे कब लेते हैं, कैसे लिया जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 to 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट से 3 months में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होता है। एंड 4 to 9 months में इसकी ग्रोथ तो काफ़ी तेज हो जाती है, ठीक है, और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो प्रेग्नेंट वूमेन को 4 to 9 months में कैल्शियम को लेना चाहिए और इसकी डोजेस को कंप्लीट 9 months तक कंटिन्यू लेना चाहिए। इसकी जो बोनेडिल टैबलेट्स होती है, इसकी 1 tablet 500 grams की होती है। तो इसको डेली अपने खाने के बाद इसको 1 tablet को आप नियमित रूप से इसका कंटिन्यू 4 to 9 months में लेते रहिए, और जिस टाइम आपने लिया है उसके नेक्स्ट डे उसी टाइम पे आप दूसरे टैबलेट को लेंगे, ताकि उसकी जो ड्यूरेशन है, तो 24 hours में इसको लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन बनी रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको बोनेडिल टैबलेट्स के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगी, तो आप और देखिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, तो बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी और मेडिसिन के बारे में अगर नॉलेज चाहिए हो, या फिर किसी और मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, ऐसे कैसे लेते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट, नुकसान एक्सेट्रा, जो भी जिस भी मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज चाहिए हो, आप तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स।